ये रहा सामने बैल जिसका पाँव कट गया था और जिसको ऑपरेट करके यहाँ पे अगेन आगे की प्रोसेस के लिए। जीत है और आप देख रहे हैं शहडोल डायरीज, और आज है 18th of November, और 18th of November को मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे 18th November को एक साल पहले था। आप एक साल पहले आज की वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं एक गौशाला का वीडियो डाला हुआ है, एक गौरव करके एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक गौशाला चलाई थी और जो जानवर गाय कुत्ते बैल उनके बछड़े किसी भी टाइप के जानवर है सबकी सेवा करने का प्रण लिया था, और उनके साथ कई लोग जुड़ते चले गए और आज बहुत अच्छी बड़ी सी टीम बन गई है, थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट में भी हैं। तो बहुत सारे केसेस मींस उनका एक फेसबुक पे पेज भी है जिनमें वो एवरीडे जो केसेस है मिलते हैं उनको, जैसे किसी का एक एक्सीडेंट हो गया रिसेंटली, अभी एक गाय का एक्सीडेंट हुआ था, पीछे के दोनों पहिए कट गए थे ट्रेन से, इमीडिएटली उनको ऑपरेट किया गया और वो गाय डेफिनेटली, ये पीछे गौशाला देख रहे हैं सो वहाँ पे होंगी, मैं आपको दिखाऊँ। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जगह, यहाँ पिछले साल यहाँ पे गौशाला थी, ये पीछे स्टेज नुमा बना हुआ है, यहाँ पे छोटे छोटे जो कुत्ते वगैरह होते थे वो रखे हुए थे, उनकी सेवा हो रही थी, और ये पूरा उधर से आने का रास्ता, इधर पूरा ये गौशाला, यहाँ पे वो गाय भी है जिनका भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट और भी गाय हैं जो प्रोसेस में रहती हैं इम्प्रूवमेंट के, रेगुलर डॉक्टर विजिट हो गई, मीन्स पिछले साल ये इशू था कि गवर्नमेंट डॉक्टर सुनते नहीं थे, तो रिसेंटली इस बार हमारे ऑनरेबल कलेक्टर सर ने उनको स्ट्रिक्ट हिदायत दी है, यू हैव टू बी 24 आवर्स इन द सर्विस, और इन दैट वे यहाँ पे कभी भी डॉक्टर्स आ रहे हैं और नॉट हियर, जहाँ पे भी केसेस होते हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं, बट इम्प्रूवमेंट में है ये जो सेवा उन्होंने चालू की है, कई सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और आइए चलते हैं अंदर थोड़ी देर में, यहाँ पे जो अभी इंचार्ज हैं, पिछले साल तो हमको गौरव भाई मिल गए थे लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, और एग्जैक्टली एक साल में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक साल में हम देख पाए कि और यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रही है, ये सारी चीज़ें। तो एक जो इंचार्ज हैं रईस करके हैं, रईस भाई करके, वो आते ही होंगे, जब तक अपन अकेले देखते हैं यहाँ क्या है। चलिए हैं गौशाला के अंदर, मैं आपको थोड़ा एक 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये पीछे रही भाई हैं आपका काम, नानक पाल जी, विशाल जी, ये सब स्वयं सेवक यहाँ पे हैं जो कि अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मैं आपको थोड़ा पूरा एक लंबा सा व्यू दिखाता हूँ, ये पूरा लंबा है गौशाला, यहाँ पे सभी गायों की सेवा की जाती है, ना सिर्फ गाय और भी जितने भी जानवर हैं सभी को यहाँ पे ट्रीट किया जाता है उतने ही अच्छे से जितने अच्छे से गायों को। मैं अभी आपके सामने थोड़ा देर पहले एक केस बताया था जिसमें एक ये बैल है ना, सॉरी मैं गाय बोल दिया था, बैल का पैर कट गया था और उनको तुरंत ऑपरेट किया गया और अभी वो यहीं पे हैं। हमने बैल जिसका पाँव कट गया था और जिसको ऑपरेट करके यहाँ पे अगेन आगे की प्रोसेस के लिए रखा गया। राजेश भाई थोड़ा इसके बारे में बताएंगे क्या हुआ था, क्या कैसा? ये शाम को 7 बजे प्लेटफार्म नंबर 1 पे सूचना मिली कि ट्रेन से एक बैल कट गया है, तो हमारी टीम 5 मिनट के अंदर पहुंच गई, ठीक है, और वहाँ पहुंचने के बाद देखे तो बैल की स्थिति बहुत खराब थी, दोनों बैल झूल चुके थे, और हम लोग हमारी टीम वहां से तो उसको बैल को पिकअप बुलाया और ले आए अपने गौशाला, यहाँ से भैया अपन फिर डॉक्टरों की टीम बुलाए और इसका ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन में होने के बाद अब ये बैल खड़ा है और खा पी रहा है, खाने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि इसका जबड़ा भी फटा हुआ है। अच्छा, ये जबड़ा फट रहा, नीचे जबड़े में भी चोट आ गई, जबड़े में भी चोटें हैं और अंदरूनी चोटें हैं। ओके, और लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। जी जी, ओके। और ये बैल 1 महीना पहले मिला था, ये ट्रक से ठोकर इसको लगी थी। जी जी, इसका भी मैंने तो देखा, इसका एक पैर कटा हुआ है। इसका एक पैर कटा हुआ है, इसको हम लोग कंकाली मंदिर के पास लाए थे, ये पूरा हिस्सा इसके खत्म हो चुका है, ये ट्रेन की ठोकर की बछिया है, इसका पीछे गोबर के रास्ता वो हो गया है,
सबकी सेवा हो रही है यहाँ। अस्थि में छेद हो गए थे भैया, अब इसका घाव पहले से बहुत ज्यादा ठीक है, खा पी रहा है, उसका एक पीछे के खुर खत्म है और अंदरूनी चोटें आप देख रहे हैं, सामने चोटें दिख रही हैं। बराबर। ओके ओके हाँ हाँ, ये खत्म है, खुर खत्म है इसका। ओके, और तो चलने में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आ रही है। और सभी जगह जैसे एक सफेद वाली बच्ची आ रही है, ठीक है, ये पीछे खुर खत्म है। सो दोस्तों, देख रहे हैं आप यहाँ पे सभी जितने भी गौवंश हैं सबको कुछ ना कुछ तकलीफ है, और नॉर्मल लेवल पे नहीं है वो, बहुत क्रिटिकल लेवल पे हैं। जैसे खुर खत्म हो जाना मतलब एक तरह से पांव खत्म हो गया, बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो फिर यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, ये गौशाला पूरी तरीके से स्वयं सेवकों पे डिपेंड है। अगर आप जो भी देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल्स मिल पाएंगी। अगर आप यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कुछ भी हेल्प करना चाहते हैं इस गौशाला की, तो ज़रूर करें। सो दोस्तों, आपको सेल्फ में मैं तो पिछले साल भी आज के ही दिन, जैसा मैंने बताया, आज के ही दिन यहाँ आया हुआ था, ये सारा कुछ शूट किया। बहुत दूर दूर से लोगों ने कमेंट किए, और विश्वास नहीं मानेंगे वो वाला वीडियो तो एक बंदे ने कनाडा से भी देखा, उन्होंने भी डोनेट करने को बोला, मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह शेयर कर दिए थे। लेकिन इस तरह के किसी भी इनिशिएटिव को चलाने के लिए पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो इन केस इफ पॉसिबल, अगर आप डोनेट कर सकते हैं या फिर आप कोई ऐसे लोगों को जानते हैं जो डोनेट कर सकता है तो प्लीज़ करें। यहाँ पे बहुत मींस लोग दिल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सपोर्ट तो उनको चाहिए ही। सारी जो डोनेट करने के लिए लिंक्स वगैरह हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सिर्फ अच्छा नहीं, आप इस पर ज़रूर सहयोग भी करेंगे। धन्यवाद, मेरा नाम संजीत सोनी है, जय हिंद।